थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ फूड दैट इज द फैट। अभी हम लोग फैट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते। सो फ्रेंड, ये जो फैट होता है इट इज मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों कंपोनेंट से ये फैट मॉलिक्यूल बना होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी हमने देखा था कि दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसी तरीके से फैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारे फूड कौन से फूड आइटम्स में हमें फैट मतलब कौन से फूड आइटम से हमें फैट मिलता है? तो अगर एनिमल सोर्सेज की अगर बात की जाए तो बटर, घी, मिल्क, एग योक, इनसे की हमें मिलता है फैट। और प्लांट सोर्सेज में नट्स एंड कुकिंग ऑयल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फैट इन आर फूड। तो व्हाट आर द एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट? तो बटर, घी, मिल्क, एग योक, यह है एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट। व्हाट आर द प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट? तो जो भी नट्स होते हैं या फिर कुकिंग ऑयल होते हैं उनसे हमें मिलते हैं ये फैट। तो डे टू डे लाइफ में मतलब डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को फैट की कितनी होती? तो एन एडल्ट नीड अबाउट 35 ग्राम फैट एवरी डे। जो कि एडल्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए 35 ग्राम्स ऑफ फैट इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे लाइफ। आफ्टर दैट आवर बॉडी स्टोर्स द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड दिस स्टोर्ड फैट इज यूज बाय द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी as and when required, so fat is considered as the energy bank in our body. हाँ, तो friend fats को energy bank of the body भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है energy bank of the body? क्योंकि हमारी जो body होती है जो कि excess energy होती है वो in the form of fat body में store करके रखती है। और body को जब भी ज़्यादा energy की ज़रूरत होती है उस समय में ये जो fat है जो कि अपने बॉडी में स्टोर्ड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, मतलब उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी के वजह से जो फैट होता है उसको कहा जाता है एनर्जी बैंक इन आर बॉडी। ओके फ्रेंड्स, मीन्स आर बॉडी स्टोर्स एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड वेन एवर बॉडी रिक्वायर मोर एनर्जी दिस फैट इज यूटिलाइज टू कन्वर्ट इट इन टू एनर्जी। ओके, उसके बाद में ये जो फैट होते हैं उसके कुछ अदर इम्पोर्टेंस भी है। जैसे कि फैट्स आर इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स ए, डी, ई एंड के इन द बॉडी। हाँ, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई एट्सेट्रा। तो उनमें से जो विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो चार विटामिन्स है, विटामिन ए, डी, ई, के, तो ये चारों विटामिन्स फैट्स में डिजॉल्व होते हैं। और हमारी बॉडी को अगर इनको एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए फैट्स होना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके अलावा फैट इन आवर बॉडी आल्सो प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी सरफेस। हमारी बॉडी के सरफेस से जो कि हीट लॉस होता है उसको अवॉइड करने के लिए भी फैट बॉडी में होना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, देखा जाए जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो कि लो टेम्परेचर एरिया में होते हैं जहाँ पर काफ़ी ठंड होती है तो उनके स्किन के अंदर फैट का एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेयर होता है जिसकी वजह से उनके बॉडी से जो हीट लॉस होती है वो प्रिवेंट हो सके और उस ठंडी मतलब ठंड एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सके। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैट। तो फैट के बारे में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि इट इज़ मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड थिंग वी डिस्कस दैट इज़ द सोर्स ऑफ द फैट, दैट इज़ द बटर, घी, मिल्क, एग योक, नट्स, कुकिंग ऑयल्स एट्सेट्रा। आफ्टर दैट वी डिस्कस दैट 35 ग्राम्स ऑफ फैट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी डे। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि फैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के अंदर जो कि एक्सेस फैट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ विटामिन से विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये विटामिन एब्जॉर्ब करने के लिए भी फैट की ज़रूरत होती है। और सबसे आखिरी में हम लोगों ने देखा कि हमारी बॉडी से जो हीट लॉस होती है उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर फैट होना ज़रूरी होता है बिकॉज इट प्रिवेंट द हीट लॉस। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैट। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स कोचिंग क्लास। थैंक यू सो मच।